सिंपल क्वेश्चन पेपर साइंस क्लास नाइन टर्म टू में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर एट है अ पर्सन वाज बिटन बाय अ स्ट्रे डॉग एक आदमी को एक जो पालतू कुत्ता है या वारा कुत्ता है वो काट लिया है आफ्टर सम डेज हीज नेचर गेट्स इरिटेटेड। कुछ दिनों के बाद उसका जो व्यवहार है ना वो इरीटेशन वाला हो गया है ही स्टार्टेड फीयरिंग वाटर और वो वाटर फोबिया का शिकार हो गया है पानी से डरने लगा है इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द डिजीज़ तो बीमारी का नाम क्या है इसका आंसर हमको करना है सेकेंड क्वेश्चन है इज देयर एनी वैक्सीन अवेलेबल क्या इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है इसके आंसर को लिखना है और जो सी क्वेश्चन है इज देयर एनी प्लान ऑफ़ योर लोकल अथॉरिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज़ क्या आपके लोकल अथॉरिटी के पास जैसे नगर निगम हुआ नगर पालिका हुआ या पंचायत हुआ उसके पास इस बीमारी को कंट्रोल करने का कोई प्लान है तो इसका आंसर को हमको इसमें लिखना है तो देखिए सेक्शन बी में क्वेश्चन वन है कि नेम द डिजीज तो इस डिजीज का क्या नाम है इसका आंसर होगा द डिजीज कास्ड ड्यू टू बाइट ऑफ अ स्ट्रेड आग इज रेबीज कि जो बीमारी होता है आवारा कुत्ते के काटने से तो रेबीज होता है वो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए इज दे आर एनी वैक्सीन अवेलेबल क्या इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है तो इसका आंसर होगा यस एंटी रेबीज वैक्सीन इज अवेलेबल कि इसके लिए एंटी रेबीज वैक्सीन जो है ना वो अवेलेबल है उसके बाद जो सी नंबर क्वेश्चन है देखिए वो बोलता है कि पीज दे आर एनी प्लान ऑफ यूर लोकल अथॉरिटी फॉर कंट्रोल ऑफ़ दिस डिजीज क्या आपके लोकल अथॉरिटी के पास इस बीमारी को कंट्रोल करने का कोई प्लान है तो इसका आंसर होगा लोकल अथॉर्टीज है प्लान इम्यूनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑग्स अगेंस्ट द डिजीज कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने प्लान किया है कि वो जो स्टेट ऑग्स हैं आवारा कुत्ते हैं उनको इम्यूनाइजेशन करेंगे उनको टीकाकरण करेंगे इस बीमारी के खिलाफ क्वेश्चन नाइन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अफोर्स एप इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम कि नीचे में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें सारे में एक फोर्स एफ जो है ना एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है उसके ऊपर लग रहा है या एक्ट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ फ्राम वेस्ट टू ईस्ट सोन बाई द लार्जर एरो और जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है जो कि लार्जर एरो या लांगर एरो के द्वारा शो किया जा रहा है ऑब्जर्व द डायग्राम्स केयरफुली ध्यान से डायग्राम को देखना है एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो फिर बताना है कि जो वर्क डन हो रहा है फोर्स के द्वारा वो नेगेटिव है पॉजिटिव है या ज़ीरो है तो यहाँ पे आप डायग्राम को ध्यान से देखिए ए बी सी में तो यहाँ पर जो लार्जर एरो है ना वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है जो स्मॉलर एरो है वो फोर्स के अप्लीकेशन को बता रहा है तो फर्स्ट में एफ में जो फोर्स है ना ऊपर की तरफ लग रहा है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो और बी में जो है ना फोर्स जो है उसके डायरेक्शन में ही लग रहा है और सी में जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है अब क्वेश्चन नाइन में देखिए जो पहला इसमें जो डायग्राम है फिगर है उसमें फोर्स जो है ना ऊपर की तरफ लग रहा है और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो लेट वर्क डन इक्वल टू डब्लू मान लीजिए हम लोग वर्क डन को डब्लू ले रहे हैं यहाँ पर गिवन है फोर्स इक्वल टू एफ और डिसप्लेसमेंट इक्वल टू डी तो फार्मूला होता है डब्लू इक्वल टू एफ डी कास्ट टीटा या थीटा इक्वल टू तो 90 डिग्री यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है सो वर्क का डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कास्ट नाइन्टी हो जाएगा और हमको मालूम है कास्ट नाइन्टी का वैल्यू जीरो होता है तो एफ टी इन जीरो और जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो जीरो मिलता है तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू जीरो हो जाएगा है ना इसका एक और एग्जाम्पल है कि फोर्स को हम नीचे की तरफ भी लगाएं या ऊपर की तरफ लगाएं तो दोनों में वर्क डन जीरो होता है तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि बिकॉज द फोर्स एक्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है ना वो प्रेपेंडिकुलर लग रहा है किसके डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क डन जीरो होगा इसके बाद देखिए इसके नेक्स्ट केस में यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना जैसे मेरा पेन है तो देखिए मान लीजिए मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है मैंने सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के तो यहाँ पर ठीठा इक्वल टू जीरो हो जाएगा सो वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी काश जीरो हो जाएगा काश जीरो का वैल्यू वन होता है तो यहाँ पर हम लोग को एफ डी मिल गया अब यहाँ पे इन बी डब्ल्यू इक्वल टू पॉजिटिव तो बी में क्या है यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है बिकॉज फोर्स एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्योंकि फोर्स यहाँ पे जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट के उसी के डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रहा है तो यहाँ पे देखिए सी में जो फोर्स है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पे, इस पेन को मैं इस डायरेक्शन में ढकेल रहा हूँ और मैंने क्या किया इसके अपोजिट वन में मैंने इसको ढकेलना शुरू किया सेम वही यहाँ पर सिचुएसन है तो यहाँ पर ठीठा का वैल्यू वन डिग्री होगा सोअर कडन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी काश वन एट्टी डिग्री हमको मालूम है कास वन एटी डिग्री का वैल्यू माइनस वन होता है यहाँ पे नेगेटिव एफ डी हो जाएगा तो आंसर क्या लिखेंगे सोवर कर्डन डब्लू इक्वल टू नेगेटिव बिकॉज द फोर्स एक्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव हो रहा है वर्क डन इसका और एग्जाम्पल क्या है जैसे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक नेगेटिव फोर्स होता है हमेशा वो डिसप्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट में काम करता है क्वेश्चन टेन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन पार्टिकल्स फ्रॉम ए टू ई आर गिवन बिलो तो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं ए से ही तक उसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स है वो दिया हुआ है तो ध्यान से देखते हैं इसको तो इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पार्टिकल ए है उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटान सेवनटीन है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी सेवनटीन है तो ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा क्योंकि प्रोटान मैंने प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन वाले नेगेटिव चार्ज इसमें इक्वल है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों से एक ज़्यादा है बी में देखिए बी में क्या है प्रोटॉन्स थ्री है और इलेक्ट्रॉन्स टू है तो बी क्या होगा प्रोटॉन ज़्यादा है तो एक पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा सी जो है उसमें प्रोटॉन जो है एट्टीन है और इलेक्ट्रॉन भी एट्टीन है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा इसमें कोई चार्ज नहीं होगा डी में भी देखिए दोनों में सेवनटीन सेवनटीन है तो ये भी न्यूट्रल रहेगा लेकिन ई e में जो प्रोटॉन है नाइन है और इलेक्ट्रॉन टेन है तो ये एक नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा अब इसके क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन ए है कि हुई है कैटायन किसमें केटायन कौन है क्वेश्चन बी है हुइच इज एन एन आयन किसमे नायन कौन है और सी है हुइच रिप्रेजेंट पेयर ऑफ आइसोटोप्स किसमें से आइसोटोप का पेयर कौन सा है अब देखिए क्वेश्चन टेन में जो वहाँ पे टेबल दिया हुआ है उसको मैंने बना लिया हुआ है कि पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन करके अब देखते हैं इसके क्वेश्चन फर्स्ट को क्वेश्चन वन बोलता है कि हुइच इज अ केटाइन इसमें केटैन कौन है तो सबसे पहले समझते हैं केटैन क्या होते हैं कि जिसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ठीक है तो यहाँ पे बी में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन थ्री है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन टू है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू है ना वो कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो बी क्या होगा एक केटायन होगा इसलिए इसका आंसर लिखेंगे कि इन जो बी नंबर ऑफ प्रोटान्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स सो बी इज अ मोनोवेलेंट केटायन बी प्लस तो चूंकि बी में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से सो बी क्या होगा एक मोनोवेलेंट केटायन होगा बी प्लस होगा क्वेश्चन भी है विच वन इज एनायन इसमें एनायन क्या होगा तो देखिए एनाइन में क्या होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होना चाहिए तो यहाँ पे देखिए जो ई e पार्टिकल है उसमें इलेक्ट्रॉन टेन है और प्रोटॉन नाइन है तो यही एनाइन होगा इसलिए इसके आंसर को लिखेंगे एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सो ई इज अ मोनोवेलेंट एनायन ई माइनस अब इसमें क्वेश्चन सी है देखिए विच एलिमेंट्स रिप्रेजेंट पेयर ऑफ आइसोटोप्स कि कौन से इसमें एलिमेंट जो है ना वो पेयर ऑफ एसोटॉप्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले समझते हैं एसोटॉप क्या होते हैं कि मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ एन एलिमेंट दैट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसमें प्रोटॉन जो है ना सेम नंबर में हो लेकिन जो न्यूट्रॉन है ना वो डिफरेंट हो अलग अलग हो तो यहाँ पे देखिए जो हमने टेबल देखा हुआ है उसको देखते हैं तो इस टेबल में देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे देखिए जो न्यूट्रॉन 18 है लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ना सेम है तो एक आइसोटोप होगा दूसरा देखिए यहाँ पे भी सेवनटीन सेवनटीन है लेकिन इसका न्यूट्रॉन ट्वेंटी है तो ए और डी जो है ना यहाँ पे पेयर ऑफ आइसोटोप को फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि ए एंड डी रिप्रेजेंट पेयर ऑफ आइसोटोप्स क्वेश्चन एलेवन है प्राम अ क्लिप ऑफ फोर्टी नाइन मीटर हाई एक क्लिप माने पहाड़ी का कोई किनारा जो है ना वो फोर्टी नाइन मीटर ऊंचा है अमेन अ स्टोन एक आदमी वहाँ से एक पत्थर गिराता है वन सेकंड लेटर ही थ्रोज अन अदर स्टोन और उसके जस्ट एक सेकेंड के बाद वो दूसरा स्टोन भी गिराता है दे बोथ हीट द ग्राउंड एट द सेम टाइम और दोनों ग्राउंड को सेम टाइम में हीट करते हैं टकराते हैं मतलब क्या हुआ कि दूसरा स्टोन होगा उसका स्पीड जो है ज़्यादा होगा तभी वो पहले को कवर कर पाएगा फाइंड आउट द स्पीड विथ विच ही थ्री यू द सेकेंड स्टोन इसमें सेकेंड स्टोन की स्पीड को हमको फाइंड आउट करना है तो चलिए इसको साल्वा करते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवन है कि फार द फर्स्ट स्टोन फर्स्ट स्टोन के लिए जो इनिशियल स्पीड होगा ये जो पहला स्पीड होगा उसका जीरो होगा मीटर पर सेकेंड में एच जो है यहाँ पे हमको दिया हुआ 49 है फोर्टी नाइन है फ्राम न्यूटन लाभ मोशन न्यूटन का लाप मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर को यूज़ करेंगे यहाँ पे जो एक्सेलेशन होगा ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सीसन होगा जी एस जो है हाइट है एच फोर्टी नाइन मीटर यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है टी जो है टाइम टेकन और जी जो है ना ग्रेविटेशनल एक्सीसन है जिसका वैल्यू होता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा फोर्टी नाइन इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू टी स्क्वायर। इसको आगे जगह सॉल्व करेंगे तो 49 नाइन इक्वल टू नाइन पॉइंट एट बाई टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा फोर्टी नाइन इंटू टू और नाइन पॉइंट एट यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई नाइन पॉइंट एट इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा टेन अब दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे बहुत साइड का टाइम फाइंड आउट करने के लिए तो टी इक्वल टू अंडर रूट टेन इक्वल टू थ्री पॉइंट वन सिक्स सेकेंड तो जो टाइम मिला पहले स्टोन का नीचे पहुंचने का वो मिला 3.16 पॉइंट वन सिक्स सेकेंड तो यहाँ पे उसको लिखेंगे कि फर्स्ट स्टोन वुड टेक 3.16 पॉइंट वन सिक्स सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फॉर द सेकेंड स्टोन टाइम टेकन इज वन सेकेंड लेस देन दैट बाई द फर्स्ट स्टोन एज बोथ रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों ग्राउंड में सेम टाइम में पहुँचते हैं लेकिन सेकेंड को एक सेकेंड सेकेंड स्टोन को एक सेकेंड बाद छोड़ा जाता है तो सेकेंड स्टोन कितना टाइम लेगा दैट इज फॉर द सेकेंड स्टोन टी इक्वल टू थ्री पॉइंट वन सिक्स माइनस वन सेकेंड इक्वल टू टू पॉइंट वन सिक्स सेकंड फार देंकेंड स्टोन तो सेकेंड स्टोन के लिए जो टाइम ड्यूरेशन हो गया नीचे पहुंचने का टू पॉइंट वन सिक्स सेकेंड हो गया अब देखिए सेकेंड स्टोन के लिए हम लोग यहाँ पे जी का वैल्यू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं एच का फोर्टी नाइन मीटर और टी इक्वल टू है टू पॉइंट वन सिक्स सेकेंड यू का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है उसका इनिशियल कितना होगा या कितना जोर से उसको नीचे फेंका जाएगा तो फार्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी ट्यू स्क्वायर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्टी नाइन इक्वल टू यू इन टू पॉइंट वन सिक्स प्लस हाफ इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू टू पॉइंट वन सिक्स का होल स्क्वायर इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए फोर्टी नाइन इक्वल टू टू पॉइंट वन सिक्स से यू प्लस फोर पॉइंट नाइन इंटू टू पॉइंट वन सिक्स का स्क्वायर होता है फोर पॉइंट डबल सिक्स फाइव सिक्स नाइन इक्वल टू टू पॉइंट वन सिक्स यू प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी टू पॉइंट एट सिक्स वन डबल फोर आ जाएगा और इस तीनों को हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं है ना इसको छोड़ देंगे यहाँ पे तो 2.16 इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 49 नाइन माइनस ट्वेंटी इक्वल टू होगा 26.14 फिर इसको डिवाइड कर लेंगे तो यू का वैल्यू आएगा 26.14 डिवाइडेड बाय 2.16 पॉइंट डेसिमल हटाएंगे तो 2016 614 डिवाइडेड बाय 216 और इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी जो है 12.11 मीटर पर सेकेंड मतलब दोनों को एक साथ पहुंचाने के लिए हम लोगों को सेकंड स्टोन को 12.11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे थ्रो करना होगा क्वेश्चन 12 का यह है डिफाइन पोलियटामिक आयंस हमको पोलियटामिक आयंस को डिफाइन करना है राइट एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी इसमें लिखना है बी है कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास आप कैल्शियम कार्बोनेट सी एस यो थ्री इसमें दिकटामिक मास आप कार्बन दिया हुआ है ट्वेल्व यूनिट कैल्शियम दिया है फोर्टी यूनिट और ऑक्सीजन दिया हुआ है सिक्सटीन यूनिट तो इसको हमको कैलकुलेट करना है इसका जो सी है सी में बोलता है कि कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर मास जो नीचे में दिया हुआ है जैसे नाइट्रिक एसिड है एसिटिक एसिड है एच एन ओ थ्री और सी एच थ्री सी ओ एच इनका हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसमें टबिक मास हाइड्रोजन का वन यूनिट होता है मालूम है हमको नाइट्रोजन का फोर्टीन यूनिट होता है और ऑक्सीजन का सिक्सटीन यूनिट होता है और कार्बन का जो है ना ट्वेल्व यूनिट होता है तो चलिए इसको साल कर लेते हैं और ट्वेल्व का क्वेश्चन है बोलता है कि डिफाइन पोलोएटामिक आयंस राइट एन एग्जाम्पल तो क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट टेक्स एज एन आयन आरकार्ड पोलो एटामिक आयन तो जो क्लस्टर ऑफ एटम होते हैं जो एक आयन की तरह व्यवहार करते हैं उसको पोलोटामिक आयस बोलते हैं इसके एग्जाम्पल है एन एच फोर प्लस पी ओ थ्री थ्री माइनस एस ओ फोर टू माइनस एस ओ थ्री टू माइनस एक्सेट्रा इसमें सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इसमें सब चीज़ हमको दिया हुआ है तो क्या करेंगे यहाँ पे मास ऑफ कैल्शियम प्लस मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन ये सब के मास को हम लोग सम करेंगे तो यहाँ पे मास ऑफ कैल्शियम 40 यूनिट है मास ऑफ कार्बन 12 यूनिट है और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है ना थ्री है यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे थ्री एटम है तो सिक्सटी इंटू कर देंगे ये हो जाएगा फोर्टी प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टी एट इक्वल टू हंड्रेड यूनिट इसका आंसर होगा अब क्वेश्चन सी में मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है नाइट्रिक एसिड का और ये सब चीज़ हमने समझ लिया है acid, तो इसमें देखिए नाइट्रिक एसिड एच एनो थ्री में मास ऑफ़ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ़ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन तो मास ऑफ हाइड्रोजन वन यूनिट होता है मास ऑफ नाइट्रोजन फोर्टीन यूनिट होता है और मास ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो सिक्सटीन यूनिट होता है जिसको थ्री से मल्टीप्लाइड कर देंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हो जाएगा फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन प्लस फोर्टी एट इक्ल टू सिक्सटी थ्री यूनिट ठीक है तो एच एनो थ्री का जो मालिकुलर मास क्या मिला है अपने को सिक्सटी थ्री यूनिट मिल गया और देखिए मालिकुलर मास हम लोगों को निकालना है सी एच थ्री सी ओ एच का तो इसमें मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन तो मास ऑफ कार्बन यहाँ पे दो टो कार्बन है तो ट्वेल्व यूनिट इंटू टू और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना वो दो टो है तो सिक्सटी यूनिट इंटू टू और हाइड्रोजन यहाँ पे थ्री प्लस वन फोर है तो वन यूनिट इंटू फोर तो ट्वेल्व टू जाए ट्वेंटी फोर यूनिट फोर वन जो फोर यूनिट प्लस सिक्सटीन टू थर्टी टू यूनिट तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्सटी यूनिट्स ठीक है तो जो मालिकुलर मास है सी एस थ्री सी ओ एच का वो होगा सिक्सटी थ्री सॉरी सिक्सटी यूनिट यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन थर्टीन है व्हाट आर द पास्टूलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एनेटम कि बोर के अटामिक मॉडल के पास्टोलेट्स कौन कौन से हैं इसमें हमको राइट डाउन करना है थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है सर थर्टीन है द पास्टूलेट्स पुट फोर्थ बाई नील्स बोर्स अबाउट द मॉडल ऑफ एनेटम कि जो पास्टूलेट्स नील बोर ने दिया हुआ है एक एटम के मॉडल के लिए वो इस प्रकार से हैं फर्स्ट है कि ओनली सर्टेन स्पेशल नोन एज डिस्क्रीट आप इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड द एटम्स कि जो एटम के अंदर में स्पेशल होते हैं जिनको डिस्क्रीट आर्बिट के नाम से जाना जाता है वही इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए अलाउ होते हैं एटम के अंदर में सेकेंड देखते हैं इसमें वाइल्ड रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट आर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डो नॉट रेडिएट एनर्जी और जब डिस्क्रीट आर्बिट में रिवॉल्व करते हैं गोल गोल घूमते हैं इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते दीज आर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और इन आर्बिट को क्या बोला जाता है एनर्जी लेवल बोला जाता है एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन बाई सर्कल्स और जो एनर्जी लेवल होता है एक एटम में उसको सर्कल से शो किया जाता है जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ ये ये जो सर्कल होते हैं ना ये सब एनर्जी लेवल होते हैं है न चार होते हैं ठीक है के एल एम एन इसमें एक ठॉल ले लीजिए ऐसा इस प्रकार से तो के हो गया एल हो गया और एम हो गया और ये एन हो गया उसी को यहाँ पे लिखा है दीज आर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई लेटर्स के एल एम एन आर द नंबर्स एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर